नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक शानदार सीरीज के साथ एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एग्जाम पेपर 2014 यानी कि केंद्रीय विद्यालय TGET फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आज हम आपके लिए आए हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पे आपकी सभी एग्जाम्स में हेल्प करने के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन सभी प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसे जरूर सुने, पूरा सुने, और सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में जो भी है उन्हें जरूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी TGET और नवोदय विद्यालय से हट के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आई एश्योर यू कि इसको देखने से आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी और आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से हमें और क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में रक्त प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प आपको बताने हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड किस सीक्वेंस में जो है वो सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो ब्लड होता है वो हार्ट में होता है और अगर स्पेशली ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है तो जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा जुड़ी होती है जो कि महाधमनी होती है यानी कि सबसे बड़ी आर्टरी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो महाधमनी में जाएगा, वहां से धमनी में यानी कि आर्टरीज में जाता है और आर्टरी से ही जो है प्योर ब्लड जो है वो कहां जाता है, प्योर ब्लड की बात हो रही है, वो ब्लड वेसल जो कि प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं आर्टरीज या धमनी कहलाती हैं और ये फिर कैपिलरीज में या सेल्स में पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा सीक्वेंस जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हियर सही दिया हुआ है। हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज और कैपिलरीज या सेल, यहाँ पे सेल होगा पहले कि कोशिका में या टिश्यूज में जो है सभी बॉडी पार्ट्स को जो है ब्लड यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है आर्टरी से। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या है। सही आंसर जो है वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी कि विटामिन डी की बात की जा रही है। तो विटामिन डी का संबंध तो जो है वो सूखा रोग से होगा यानी कि रिकेट से इसका मतलब है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B12 जो है वो खाज खुजली से रिलेटेड है और विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालमिन की बात की जा रही है, एनीमिया से इसका संबंध है। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है, पहले हमने आपको बता दिया है, पूरा आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आज आ गए हैं। अगेन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार होते चलेंगे यहाँ पे। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेरिया जो है वो एक प्रकार के प्रोटोजोवा यानी कि परजीवी से फैलने वाला रोग है जिसे प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। और जो जनरली जो हम समझते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो वो मच्छर के काटने से होता नहीं है, मच्छर के काटने से तो वो फैलता है यानी कि जो किसी एक पीड़ित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जो फैलता है मलेरिया, ट्रांसमिट होता है, वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से होता है। लेकिन कॉजिटिव एजेंट या किससे होता है अगर पूछा जाए तो परजीवी यानी प्रोटोजोवा प्लास्मोडियम से मलेरिया होता है। डेंगू, ये देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि गलत ऑप्शन दिया हुआ है। डेंगू जो होता है वो भी एक प्रकार का वायरल डिसीज ही है दोस्तों, आपको बता दें। डेंगू फीवर का कॉजिटिव एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वायरस है, खसरा का भी जो कॉजिटिव एजेंट है वो वायरस है और मधुमेह
जो है वो पेंक्रियास में गड़बड़ी आने की वजह से या पेंक्रियास की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज, और डायबिटीज का सीधा संबंध पेंक्रियाटिक ग्लैंड से है। क्यों? क्योंकि पेंक्रियास ग्लैंड से जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो उससे हमें मधुमेह की प्रॉब्लम यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और उसे ही हम शुगर या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा नेट में बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको चेक करके बताया है। डेंगू जो है वो वायरस से होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस आंसर में तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज लिख के जरूर बताएं। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज, पहले ही हमने आपको बता दिया है ग्लूकोज का जो संबंध है वो ब्लड शुगर लेवल से है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीएस में एक पिगमेंट के रूप में पाया जाता है जो कि इसे लाल कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये लाल होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन आरबीसीएस। डायफ्राम जो होता है उसका संबंध डायफ्राम जो है वो इस श्वास की पेशी या मसल से इनका संबंध है, और हृदय जो है वो इसका संबंध तो हृदय से ही है, ये आपको पता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर सी। हृदय वाहिका यानी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसे जाना जाता है एरोबिक कैपेसिटी के नाम से, यानी कि जितनी ज्यादा देर तक हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है हमारा हार्ट, हम जितनी ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें लगातार हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है काफी देर तक, तो उन्हें हम वायवीय शक्ति या एरोबिक एक्सरसाइजेस के रूप में जानते हैं। और इनका सीधा संबंध जो है वो हृदय कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस से यानी हृदय वाहिका सहन शक्ति को डेवलप करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीथिलन होता है, यहाँ पे एक सिस्टोल और एक डायस्टोल की बात हो रही है, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? बात हो रही है कार्डियक आउटपुट की। आपको बता दें कि एक कार्डियक आउटपुट की बात हो रही है आपको, कि सॉरी कार्डियक साइकिल की बात हो रही है, कि जो कार्डियक साइकिल होता है तो उसमें एक डायस्टोल और एक सिस्टोल होता है, तो दोनों का ड्यूरेशन टोटल मिला के कितना होता है, टोटल अवधि कितनी होती है? तो 0.8 सेकेंड टोटल ड्यूरेशन होता है। और अगर अलग अलग हम बात करें तो आपको बता दें 0.3 सेकेंड सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड जो है वो सिस्टोल को बोलते हैं, और 0.5 जो होता है वो डायस्टोल को बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और टोटल ड्यूरेशन जो हुआ वो हुआ 0.8 सेकेंड। यहाँ पे लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं, और बात की जा रही है धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु यानी कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट्स में। क्यों? क्योंकि इन्हें देर तक दौड़ना होता है, और जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में होती हैं, जो कि काफी देर तक इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती रहती हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहती हैं, और ये धीरे 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 काफी देर तक दौड़ते रहते हैं, और इनमें पाए जाते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। और जस्ट अपोजिट जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं जिन्हें व्हाइट मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, तो ये व्हाइट मसल फाइबर्स जो है वो स्प्रिंटर्स में पाए जाते हैं, और धीमे स्फुरण यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को रेड मसल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। पहले वाले हो गए रेड और दूसरे वाले हो गए व्हाइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार यानी कि आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए समगतिक यानी कि आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें देखते देखते वीडियो को, और साथ ही साथ अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जितने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही एनर्जी और मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, साथ ही साथ अपने मोटिवेशनल व्यूज हमें लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हृदय चारों ओर से घिरा होता है, वन मार्क कंफर्म क्वेश्चन, एक नंबर आपको एग्जाम में जरूर दिलाएगा कि हृदय के चारों ओर कौन सी लेयर पाई जाती है या हृदय की लेयर को क्या कहते हैं। तो जब हृदय की चारों तरफ से किस लेयर से हृदय घिरा होता है बात की जा रही है तो उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं,
और अगर बोला जाए कि हृदय की मसल कौन सी होती है तो मायोकार्डियम के नाम से उसे जाना जाता है, डोंट बी कंफ्यूज। और अंदरूनी लेयर को एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। श्वेत रुधिराणु यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मृत कोशिकाओं को हटाना, सॉरी बैक्टीरिया से लड़ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि ये बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती हैं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी स्कोलियोसिस यानी कि स्पाइन जो है वो एस शेप्ड या कर्व शेप्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम, तो उसे स्कोलियोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरियोमीटर का प्रयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल या यूज किया जाता है, तो लंबाई या कद या ऊंचाई मापने के लिए स्टेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उत्कृष्ट एथलीटों में डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं और बात की जा रही है उनके काम करने का तरीका, उनका कौशल, उनका मानसिक सामर्थ्य, ये सभी वो फीचर्स हैं किसी भी पर्सनालिटी के जो कि अच्छे यानी कि उत्कृष्ट एथलीटों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। वयस्क मानव में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, और 206, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विज्ञान को किस डैश के अध्ययन तक सीमित होता है, तो मानव विज्ञान जो होता है उसको किसका अध्ययन, किसके अध्ययन के रूप में या किसके अध्ययन तक इसे सीमित माना जाता है, तो आचरण एवं मनोवृत्ति, एक और दो दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि मानव मनोविज्ञान आचरण और मनोवृत्ति के अध्ययन तक सीमित होता है। किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आज की यूथ जनरेशन को या युवा बच्चों को या किशोरों में जो है ज्यादा असर नहीं डालता, उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं आंसर, पहले हम आंतरिक अभिप्रेरण की बात हो रही है, पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो ये जो है ये कम असर डालता है आज के युवा बच्चों के लिए या किशोरों के लिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बाहरी चमक, फैशन की दुनिया और टीम टाम के जो तरीके होते हैं, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र होते हैं आजकल युवाओं में, वो है बाह्य प्रेरणा, तो ये चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं युवाओं को इन कंपैरिजन टू इंटरनल मोटिवेशन। तो बाह्य अभिप्रेरणा में आप देख सकते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो प्राइज और अवार्ड्स जो है ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, तो इन चीजों को हम एक्सटर्नल मोटिवेशन में रखते हैं तो ये ज्यादा इफेक्ट डालती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल मोटिवेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हियर। तो देखिए आपको बता दें इंग्लिश में से क्या बोला जाएगा कि जो ट्रैकिया होता है इसके बाद जो हमारा जो ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है तो वहां से जो लंग्स का पार्ट शुरू होता है और ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और टर्सरी ब्रोंकियोल्स की जो सीरीज स्टार्ट हो जाती है उसे हम वो पूरा लंग्स में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वसनी यानी कि आई थिंक यहाँ पे ट्रैकिया की बात की गई है या फेरिंग्स की बात की गई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोग्राम किसकी माप करने का एक साधन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण को मापने का एक साधन होता है सोशियोग्राम, UPLT ग्रेड 2018 में भी ये क्वेश्चन एज इट इज दोहराया गया था दोस्तों। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको बहुत से फायदे हैं, इसलिए सारे ओल्ड पेपर आप जो हम सॉल्व करा रहे हैं उसको पूरा पूरा आप जरूर देखा कीजिए। सतत प्रशिक्षण विधि यानी कि इन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की संकल्पना किसने दी थी, लगातार प्रशिक्षण, सतत प्रशिक्षण या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकिन के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, आवर्तनीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब, तो अतिभार यानी कि ओवरलोड या लोड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कब होता है, देखिए ओवरलोड बता दें आपको
देखिए, जब ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, यानी कि अपर्याप्त होता है, उस समय हम कह सकते हैं कि ये ओवरलोड की कंडीशन है। और वैसे भी जो है ओवरलोड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन जितनी अवेलेबल है वो पूरी नहीं होती है जिन एक्टिविटीज़ में, तो ओवरलोड की कंडीशन बनती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, आफट परीक्षण युवा में किसकी माप करने से संबंधित है। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर मोटर फिटनेस, जो कि काफी डाउटफुल था, कंफ्यूजिंग था, कई दोस्तों ने सामान्य मोटर योग्यता को कर दिया जो कि गलत आंसर था। मोटर फिटनेस इज करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ आफर्ड, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, फुल फॉर्म ऑफ ऑफर्ड। एक नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा फीचर है या एबिलिटी है जो कि ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चों में, तो तेजी तीव्रता यानी कि इसे गति के रूप में यहाँ पे लिया जाएगा। तो गति जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह के फाइबर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो उससे काफी हद तक ये प्रभावित होती है। तो इसे इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्पीड तीव्रता या गति। निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो कैरियर संबंधी परामर्श, क्योंकि बात की जा रही है स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई, रोगों का उपचार, स्वास्थ्य कैंप, वैक्सीनेशन, ये सब चीज तो आएगा, लेकिन कैरियर संबंधी परामर्श जो है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। लैक्टिक एसिड किसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवी मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हमें मिल नहीं पाती है ज्यादा देर तक, तो या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है लगातार एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड बन जाता है जो कि थकान का अनुभव कराता है हमें। नेक्स्ट, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है। ओमेगा 3 मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे अपेक्षित मूल ऊर्जा लगभग कितने कैलोरी होती है। 1.3 कैलोरी ऊर्जा शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे आवश्यक होती है, 1.3 कैलोरी आवश्यक होती है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, पूरा पूरा देखिएगा। समपरासारी संकुचन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे गतिक संकुचन के नाम से जाना जाता है। गतिक का मतलब होता है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, और डायनेमिक का मतलब होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, डायनेमिक मतलब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे गतिक संकुचन भी कहते हैं, और स्थैतिक यानी स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्थैतिक संकुचन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नेतृत्व निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित करने के लिए जो है इस पर मुख्य ध्यान देता है। मौसम काफी खराब है, बादल के गरजने की आवाज आपको आ रही होगी, आई होप नहीं आ रही होगी वैसे, लेकिन अगर आ रही है तो आप देख सुन पा रहे हैं कि हर मौसम में, चाहे बरसात हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, ठंडी हो गर्मी हो, हमेशा हमारे चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, लगातार वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, और आपकी हेल्प के लिए पूरी पूरी कोशिश रहती है हमारी। तो वीडियो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इतना तो आपकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि हम मोटिवेट हो सके और ऐसी वीडियोज आपके लिए लेके आ सके। निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। अगेन यूपी टीजीटी 2021, यूपी पीजीटी 2021, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, फुटबॉल, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। फुटबॉल, ट्रॉफियों को उनसे संबंधित खेल से आपको सही मिलान करना है यहां पे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, तो आपको हम सही ऑप्शन बता देते हैं। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और विलियम जोन्स कप का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है।
तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? पहले हमने आपको बता दिया पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए, पी के बैनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चक्कर, चुकर और मलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पोलो से इसका संबंध है। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कबड्डी में। और लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो 2 अंक दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ अगेन UPTGT PGT 2021 और ना जाने कितने अनगिनत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है दोस्तों, कि मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई स्टैंडर्ड यानी कि दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज। याद कर लीजिए, रट लीजिए, यही सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन इस बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर कराएंगे। विश्व में शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? तो फाइड, फेडरेशन इंटरनेशनल दी एसएच यानी कि शतरंज से इसका संबंध है। और जिसकी स्थापना आपको बता दें 20 जुलाई 1924 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधुनिक पेंटाथलॉन खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल को सम्मिलित किया गया है? तो तैराकी यानी कि स्विमिंग। आपको पता होना चाहिए पेंटाथलॉन मतलब 5 इवेंट्स इसमें शामिल होते हैं, तो वो कौन से 5 इवेंट है दोस्तों? बता देती हूँ आपको, फेंसिंग यानी कि हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, शूटिंग, तलवारबाजी, फ्री स्टाइल स्विमिंग जिसकी यहाँ पे बात की गई है, और 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रनिंग। ये 5 इवेंट पेंटाथलॉन में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवीनतम वर्गीकरण में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, योग। तो इसका मतलब ये है कि खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवीनतम वर्गीकरण में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में जो शामिल है उनमें है टेनिस, तीरंदाजी और बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ रोग कौन सा है? तो देखिए, ये सभी यानी कि त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, ये सभी जो है ये विटामिन B12 की कमी से होने वाले डिसीजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और बात की जा रही है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको बता दें सी इज करेक्ट हियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि नाडा की स्थापना की गई थी 24 जुलाई 2005। आपको पता होना चाहिए 24 जुलाई 2005 को नाडा की स्थापना की गई थी, जो कि हमारे भारत देश में जो खेल में जो डोपिंग की जाती है या अनावश्यक जो ड्रग्स लिए जाते हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एथलीट्स के द्वारा, तो उसको रोकता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हमारे भारत देश में। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल में बात की जाए कि कौन सी संस्था कंट्रोल करती है ड्रग्स के अगेंस्ट, तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। तो इम्पोर्टेंट सीरीज है, पूरा जरूर देखिएगा। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहले तो आप अपना डाउट यहाँ पे दूर करते हुए चलिए, कई बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिछले की किस स्तर पर ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और कितने वर्षों के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है अगर किसी खिलाड़ी ने, तो उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4, पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो बात हो रही है यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के डैश आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई,
तो बात की जा रही है 1896 की, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1896 एथेंस से इनकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 76 BC यानी ईसा पूर्व से हुई थी। ओलंपिक शपथ वर्ष के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक शपथ को शामिल किया गया था। वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 50-75%, मोस्टली 70% मिलता है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये ट्रेपेजियम जो है वो ऊपरी बांह की हड्डी के रूप में जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी दिया हुआ है तो समझने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलॉन प्रतियोगिता, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एक नंबर जरूर दिलाएगा कि डेकाथलॉन में पहले दिन दूसरे दिन जो 5-5 इवेंट्स आयोजित होते हैं, तो उनमें से जो पहले दिन आयोजित होता है उनमें निम्न में से ये कौन सा इवेंट है जो पहले दिन आयोजित कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित होती है उसमें शामिल किया जाता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप पूरे 5 इवेंट्स जो पहले दिन और पूरे 5 इवेंट्स जो दूसरे दिन आयोजित होते हैं वो आपको पता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। साथ ही साथ हम आपको रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहले दिन जो इवेंट होते हैं वो होते हैं, देखिए पुरुषों के लिए आयोजित होती है ये याद रखिए, तो पुरुषों के लिए होता है 100 मीटर रेस जो कि पहले दिन होता है, और फिर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, गोला फेंक जिसकी बात की गई है, और हाई जंप और 4 मीटर रेस, ये फर्स्ट डे आयोजित होते हैं। और दूसरे दिन जो आयोजित होते हैं इवेंट्स वो है 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस। मोस्टली पूछा जाता है कि दूसरे दिन का अंतिम इवेंट कौन सा होता है, तो 1500 मीटर रेस। आपको सीक्वेंस में ये इवेंट्स याद रखने हैं दोस्तों। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि ये सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 1 मार्क जरूर दिलाएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में जानी जाती है। तो बात की जा रही है दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की, जो कि है अमेरिकी ओपन, यानी कि US ओपन की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1881 में की गई थी। तो आपको बता दें कि जो सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो कौन सी है, तो वो है विंबलडन, जिसकी शुरुआत 1877 से की गई थी। तो सबसे पुरानी पूछा जाए तो विंबलडन, और देखिए यहाँ पे पूछा गया है दूसरी सबसे पुरानी तो अमेरिकी ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 से, और फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी आपको बता दें 1891 से। और ये समय है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का, देखिए कि इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, होमवर्क क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बैडमिंटन कोर्ट का आकार बताना है डबल्स के लिए और सिंगल्स के लिए, दोनों के लिए। थोड़ी मेहनत आपको भी करना है क्योंकि पढ़ाने का काम हमारा है लेकिन रिवीजन करने का और रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करने का काम आपका है दोस्तों। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम लाते हैं, जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। जैसे बात करें ग्लैंड स्लैम क्वेश्चन की, तो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि 2021-22 का हर जो चारों ग्रैंड स्लैम है उनका जो खिताब है सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए किसे मिला, मेल के लिए, फीमेल के लिए किसे मिला, तो सभी को आप तैयार करते हुए चलिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें जिसमें हम नेक्स्ट 50 शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके जरूर आएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।